वेलकम टू एजुक्लिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके मॉर्निंग की शुरुआत हमारे साथ। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए रोज का डबल डोज, जिसमें एक कैप्सूल दो का दम। आज है 19 दिसंबर, तो 19 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिटेल से बात करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हर एक प्लेटफॉर्म पर जहां चाहे वहां फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों कल का कैप्सूल लिया क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मैट्रिमोनियल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है ITBP ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ITBP यानी इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पोर्टल की शुरुआत की है। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को समर्पित पहला मैट्रिमोनियल पोर्टल है। अब यह पोर्टल शुरू किया है ITBP ने। तो ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में तथा इसके महानिदेशक हैं विक्रम श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि मित्तल। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी रवि मित्तल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। इन्होंने अमित खरे का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर संतरा उत्सव का आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया है मणिपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में राज्य स्तरीय संतरा उत्सव का उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर का तमेंगलोंग जिला सबसे ज्यादा संतरा उत्पादक क्षेत्र है। अब यह उत्सव हुआ है मणिपुर में। तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है उड़ीसा से। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत ने उड़ीसा तट पर चांदीपुर परीक्षण रेंज से सतह से मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जो 200 किलो वजन साथ लेकर उड़ सकती है। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर में भारतीय सेना ने भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। ब्रह्मोस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तथा इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस, जिसे संस्कृत में कहा जाता है बलस मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री राम लागू का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो श्री राम लागू एक अभिनेता थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। लोकप्रिय अभिनेता श्री राम लागू का निधन हो गया है। इन्होंने आजादी के बाद महाराष्ट्र में रंगमंच आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री राम लागू को एक दिन अचानक, घरौंदा और लावारिस जैसी हिंदी फिल्मों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान पाने वाली देश की सातवीं राज्य पुलिस बनी है? तो ये बनी है गुजरात पुलिस। ऑप्शन सी राइट आंसर। गुजरात पुलिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाली गुजरात पुलिस देश की सातवीं राज्य पुलिस बनी है। इससे पहले प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और असम राज्य पुलिस को मिला है। यह राज्य पुलिस की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। अब यह अवार्ड दिया गया है गुजरात पुलिस को। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी तथा गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 18 दिसंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा दिसंबर 2000 में विश्व में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए
18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। अब इसे मनाता यूनाइटेड नेशन है। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तथा यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। अब क्वेश्चन आया है इम्पोर्टेंट डे का, तो आप मंथ के अभी तक के सभी इम्पोर्टेंस डे मेरे साथ रिवाइज करो। 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस तथा 1 दिसंबर को ही भारत में नागालैंड स्थापना दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस भी मनाया गया था। 2 दिसंबर को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस तथा 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया था। 3 दिसंबर को मनाया गया था विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया था भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस तथा 5 दिसंबर को ही विश्व मिट्टी दिवस भी मनाया गया था। 6 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस। 7 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस तथा 7 दिसंबर को ही भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया गया था। 9 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस। 10 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। 14 दिसंबर को मनाया गया था विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को मनाया गया था विजय दिवस। और अब 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो जब भी इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन आए, तो आप मंथ के अभी तक के सभी इम्पोर्टेंट डे रिवाइज किया करो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को रिवाइज जरूर किया करो, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से आप उन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर लॉरा मार्श ने संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस देश की खिलाड़ी है? तो लॉरा मार्श इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ऑप्शन ए राइट आंसर, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर लॉरा अलेक्जेंड्रा मार्श ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने वर्ष 2006 में तेज गेंदबाज के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। लॉरा मार्श वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वालों में तीसरी गेंदबाज है। अब लॉरा मार्श है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड आता है यूनाइटेड किंगडम में। तो मैप में देखिए यूके, यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग तथा यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WEF की रिपोर्ट में जेंडर गैप के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 112वीं। ऑप्शन सी राइट आंसर, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक जेंडर गैप के मामलों में 153 देशों की सूची में भारत 112वीं रैंक पर है। इसमें आयरलैंड प्रथम स्थान पर तथा दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। वहीं नेपाल 101वें तथा पाकिस्तान 151वें स्थान पर है। अब यह सूची जारी की है विश्व आर्थिक मंच ने। तो WEF की स्थापना जनवरी 1971 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोनोगनी स्विट्जरलैंड में तथा इसके चेयरमैन है क्लाउस स्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP दर कितनी अनुमानित की है? तो अनुमानित की है 4.9%। ऑप्शन बी राइट आंसर, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP 4.9% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले GDP का अनुमान 5.8% था। मैं आपको बता दूं कि मूडीज एक अमेरिका की फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी है। अब देखिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी राइट आंसर, फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर रही है एवं ONGC तीसरे, SBI चौथे तथा टाटा मोटर्स को पांचवा स्थान मिला है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है प्रथम पायदान पर, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर है मुंबई में तथा इसके CEO है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे व टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं आबिद अली। ऑप्शन ए राइट आंसर, पाकिस्तान के 32 वर्षीय ओपनर आबिद अली वनडे और टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू में 112 रन तथा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में 109 रन बनाए हैं। अब आबिद अली है पाकिस्तान के क्रिकेटर, तो मैप में देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान तथा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी।
अब आपके लिए आज के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज्यादा लिखोगे फिर आप वो कभी नहीं भूल पाओगे, तो इसकी आप हैबिट बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।